दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से किराड़ी से विधायक रहे अनिल झा को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा ली है। अनिल झा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर उम्मीद जताई जा रही है कि झा को किराड़ी से टिकट मिल सकती है। इस समय आपके इस सीट से विधायक ऋतुराज झा हैं। अनिल झा साल 2008 से 2013 तक इस सीट से भाजपा से विधायक रहे हैं। झा 32 सालों तक भाजपा में रहे। इस सीट पर पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचल के बड़े नेताओं में अनिल झा का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, हमने वहां पर बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले इन कॉलोनियों में लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे, आज वहां 1 लाख गज का रेट है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ मुंह करते हैं, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपने गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डीडीए फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया। 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब मैंने अफसरों, उसके पहले मैं गली गली में घूमा, बहुत घूमा मैं दिल्ली के अंदर, और जब कच्ची कॉलोनियों में जाता था तो इतना इतना पानी होता था, कोई पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, सीवर का कोई सिस्टम नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई दवा दारू का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई विकास नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई तो अफसरों ने कहा जी यहां विकास हो नहीं सकता, केंद्र सरकार के निर्देश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कच्ची कॉलोनियों में विकास हो नहीं सकता। उन सारी अड़चनों को और बाधाओं को दूर करके पहली बार दिल्ली के अंदर 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स डलनी चालू की, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए, हमने स्कूल बनाने चालू किए, हमने पानी की पाइपलाइन डालने चालू की। ये 6-7 चीजें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 1650 के करीब कच्ची कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, एएसआई वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुंचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2000-3000 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे 1 लाख रुपए गज का रेट है। आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि लोगों के रिश्ते भी आ रहे हैं और लोग सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। कैलाश गहलोत के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो सरकारें हैं, केंद्र के पास बहुत पैसा है, लेकिन दिल्ली सरकार एक भी काम बता दे कि जो उन्होंने दिल्ली में किया है। इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया है, ये लोग केवल गंदी राजनीति ही करते हैं। दुर्गेश पाठक ने गहलोत पर सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा दिल्ली में ईडी और सीबीआई के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, हम दिल्ली की जनता के दम पर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ हो गया है कि भाजपा दिल्ली में चुनाव हार चुकी है। आपको बता दें कि रविवार को ही आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गहलोत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जानकारी दी। कैलाश गहलोत ने आपसे इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि सबसे पहले मैं आपको एक विधायक
और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी हुई हैं जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।